और अब बात करेंगे कोलकाता की, जहां कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय को लेकर कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने सोमवार को यानी कि 12 अगस्त को बताया कि संजय एक ट्रेन बॉक्सर है। 8 से 9 अगस्त की रात उसने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर से दरिंदगी के दौरान बुरी तरह से मारपीट की थी। संजय ने डॉक्टर को इतनी जोर से मारा कि उनके चश्मे का शीशा टूटकर उनकी आंखों में घुस गया। इसके कारण आंखों से ब्लीडिंग हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि डॉक्टर का गला घोटकर उसकी हत्या की गई। रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की भी पुष्टि हुई है और रिपोर्ट में ये भी आया है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच हत्या की पुष्टि हुई है। और कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में सामने आए हैं। देखिए अब इन तस्वीरों के जरिए देखिए रेप मर्डर पर उबाल और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, वर्धमान, मुर्शिदाबाद हो या सिलीगुड़ी या फिर कोलकाता, डॉक्टर्स यहाँ पर सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। और देखिए दिल्ली एम्स में डॉक्टर्स की हड़ताल पर सर्कुलर जारी किया गया है। डॉक्टर्स को प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए गए। सर्कुलर में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर्स प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं और इसी सर्कुलर का यहां पर जिक्र किया गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बीते दिन जो आंकड़ा सामने आया, क्योंकि कल भी भारी संख्या में देश भर में जो डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर थे और ऐसे में बात अगर सिर्फ दिल्ली करें तो 50,000 मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। देखिए कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का यह पूरा मामला है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची है एनसीडब्ल्यू की टीम और वारदात की जगह का मुआयना कर रही है एनसीडब्ल्यू की टीम। इस पूरे मामले को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और अलग अलग जगहों से आप तस्वीर देखिए किस तरह से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में डॉक्टर ने प्रदर्शन किया है। अलग अलग तस्वीर और फिलहाल ये तस्वीर देखिए कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला और इसी पर एक और अपडेट आपको देते चलिए। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का ये पूरा मामला। कोलकाता में पुलिस 7 लोगों से पूछताछ कर रही है, 4 डॉक्टरों और 1 नर्सिंग से पूछताछ। सभी लोग वारदात के दिन उसी मंजिल में थे और इसी वजह से इन सबसे पूछताछ की जा रही है। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार आक्रोश डॉक्टर्स के बीच और 4 डॉक्टरों और 1 नर्सिंग स्टाफ से होगी पूछताछ। सभी लोग वारदात के दिन उसी मंजिल पर थे। और देखिए इसी में एक और अपडेट आपको बताते चले इस पूरे मामले में यानी कि कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का ये पूरा मामला और देश भर में दूसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। ओपीडी सेवाएं बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। तो अलग अलग जगहों से आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर लगातार नाराजगी लोगों में है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ मुंबई से हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए और कोलकाता से देव घोष हमारे साथ जुड़ गए। और देव सबसे पहले आपके पास आते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि इस खबर के सामने आने के बाद यानी कि रेप और हत्या की खबर सामने आने के बाद आक्रोश हर तरफ है, नाराजगी हर तरफ है। एनसीडब्ल्यू की टीम भी वहां पर पहुंची है, जरा बताएं क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर। देव आप तक आवाज जा रही है तो देव से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए देश भर में इसे लेकर आक्रोश है। सत्य प्रकाश मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, लगातार इस खबर के सामने आने के बाद से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों पर किस तरह से नाराजगी जताई जा रही है, आक्रोश है। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर है और जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। बात अगर मुंबई की करें तो क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए कलकत्ता में हुई महिला डॉक्टर के साथ हत्या और दुष्कर्म के मामले में लगातार मुंबई के कई सरकारी हॉस्पिटलों में जो है इस तरह से महाराष्ट्र एसोसिएशन द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा यह हड़ताल बुलाई गई है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं पूरी तरह से बंद की गई है। लगातार यह दूसरा दिन है, हालांकि मुंबई में आज पहले दिन है और आज यह अनिश्चित हड़ताल बुलाई गई है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि हाथ में पोस्टर बैनर लेकर यह मांग की जा रही है कि महिला सुरक्षा की खासा व्यवस्था के सेफ द सेवियर, वी वांट सेफ्टी, वी वांट सिक्योरिटी,
खास बात है कि मुंबई के कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके परिसर में व्यवस्था तो है लेकिन वह व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, इसको भी लेकर मांग उठ रही है। खासकर जिस तरह की वारदात सामने हुई है उसको लेकर लगातार लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, खासकर महिला डॉक्टर जो देर रात ड्यूटी करती हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम महिला डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं। देखिए किस तरह से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह की वारदात कलकत्ता में हुई है उस तरह की वारदात पुनरावृत्ति न हो, खासकर मुंबई में जो सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो सेवाएं हैं वो दी जाए, इसकी मांग की जा रही है। सबसे पहले आपके पास की किस तरह की मांग है और ये हड़ताल आप लोग कब तक जारी रखेंगे? सर, हम हड़ताल तो तब तक रखेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता, क्योंकि हमारी डिमांड है कि हमें एक इम्पार्शियल जस्टिस चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर जस्टिस चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना कि ये जो हॉस्पिटल है यही हमारा घर है, 80% ऑफ लाइफ हम अपने घर में बिताते हैं और जब हमारे घर पे ही हमला हो रहा है हम पे, तो हम और कहां सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल सत्य प्रकाश, और देखिए यही सवाल जो है तमाम जो डॉक्टर से सड़कों पर उतरे हुए हैं वो इस सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। भोपाल से अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर भोपाल की बात करें, देश भर में ये आक्रोश और नाराजगी हम देख पा रहे हैं, भोपाल में कैसी तस्वीर है? यहाँ पर भी जाहिर तौर पर जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे उन्हें दिक्कत हो रही होगी। कोलकाता में हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है, उसकी नज़ीर यहाँ भी देखने को मिल रही है। भोपाल में भी हम देख सकते हैं, एम्स में इस समय मौजूद है, भोपाल एम्स में, जहाँ पर शाम 5 बजे तक ड्यूटी ऑफ किया गया है, लेकिन इमरजेंसी ड्यूटीज़ जो हैं वो जारी रहेंगी। और डॉक्टर्स जो है अपनी मांग जो है कि उनको इंसाफ चाहिए और जो वर्क प्लेस है वहाँ पर उनको सुरक्षा चाहिए। तो इंसाफ की बात है, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। वी वांट जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, इस तरह का जस्टिस जी? अभी वो रेप और मर्डर केस है ना कोलकाता, उधर उन जो वो कन्विक्ट है उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा मांग है कि उनको हैंगिंग मिलना चाहिए, वही है हमारा मांग। देखिए जो जिसने जुर्म किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और भी डॉक्टर्स उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज आप या प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो मरीज़ हैं उनकी चिंता भी होनी चाहिए, तो उनकी चिंता के लिए कुछ की जा रहा है? नहीं, इमरजेंसी सर्विसेज आर गोइंग ऑन, उसको किसी तरह से बाध्य नहीं किया गया है। इमरजेंसीज में रेजिडेंट्स जा रहे हैं एंड दे डू देयर वर्क, ठीक है? जो इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनको देखा जा रहा है। और आप कब तक बैठेंगे? अभी इंडेफिनाइट टाइम तक ही डिसाइड किया है, लेटर ऑन वी विल डिसाइड दैट। किस तरह की डिमांड है आप? जैसे सबको पता है आजकल मेडिकल कॉलेज कोलकाता में लगातार ये डॉक्टर्स भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब रांची की भी तस्वीरें देखते हैं, धनंजय हमारे साथ बने हुए। धनंजय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? कोलकाता में जिस तरह से रेप और हत्या के बाद से लगातार देश भर में उबाल है और वहां से कैसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? धनंजय, आप तक आवाज जा रही है? जी, मैं आपको तस्वीरों ही दिखाता हूं। देखिए, मैं रिम्स में मौजूद हूं और झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, अरविंद सहयोगी जो है रिम्स के ओपीडी के बाहर ही मौजूद है। डॉक्टरों ने लगातार हड़ताल और आज शाम 5 बजे तक हड़ताल में ही रहेंगे। उनका कहना है कि 1200 CCTV अस्पताल के परिसर में लगाया जाए, तभी हम लोग काम पर जुटेंगे। क्योंकि जिस तरह से कोलकाता में डॉक्टर जहन हत्या मर्डर रेप जो हुआ है उसको लेके पूरे डॉक्टरों में रोष है और जो मरीज है मरीज लगातार यहाँ आते रहते हैं। देखिए, ये झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे मर्जरों की जो संख्या हजारों में आती है और ओपीडी का जो आप देख पा रहे होंगे कि मरीज जहाँ तहाँ घूम रहे हैं और मजबूरी में वो दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल आते हैं, लेकिन जब उनको पता चल रहा है कि यहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है तो वापस आ रही है। इमरजेंसी हालांकि चल रहा है, डॉक्टरों का साफ साफ जो जूनियर डॉक्टर है वो डॉक्टर काम कर ड्यूटी में नहीं है और सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में। यानी कि जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे धनंजय, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस हड़ताल की वजह से। देव भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव, आप तक आवाज जा रही, तो जरा अपडेट दें। NCW की टीम भी वहां पर पहुंची है और जाहिर तौर पर हड़ताल की वजह से जो मरीज वहां पर पहुंच रहे अस्पताल उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो हड़ताल जारी है, ये
जो मौले थे आरजी कौर कॉलेज से ही बल्कि नेशनल मेडिकल कॉलेज जो वहां से भी आज बंद किया। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अलग अलग शहरों से आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से कोलकाता में जिस तरह से रेप के बाद हत्या की खबर सामने आती है और उसके बाद से देश भर में बवाल है।